सो हेलो एवरीवन, विवेक बच्चा दिस साइट। आज की ये वीडियो मेरी अभी तक की वीडियोस में से सबसे स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आज से करीब 1.5 साल पहले मैंने ऑनलाइन बिजनेस में, डिजिटल बिजनेस में एसोसिएट में हुआ था, बट पिछले 1 साल से यहाँ पे मैं एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ। तो पिछले 1 साल में किस तरह से इस बिजनेस ने, इस वर्क ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, ना सिर्फ फाइनेंशियली बट पर्सनैलिटी वाइज भी, क्या मैंने खुद को यहाँ पे डेवलप किया है, कितना कुछ सीखा है, ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो आगे अभी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सीनियर्स शिवम सर एंड आशुतोष सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस जर्नी में उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है एंड आगे भी हम इसी तरह से साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। और हाँ, ये वीडियो यार कोई ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैंने ये सोचा वो बोलूँगा ये बोलूँगा, ऐसा नहीं है। आज मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशी हुई, क्यों हुई ये आपको वीडियो के एंड होते होते पता चल जाएगा। इसी खुशी में मैंने ऐसे ही अभी लाइव बोलना मैं शुरू हो गया। सो इस वीडियो में मैं फाइनेंशियली बात नहीं करूँगा कि मैंने मॉनेटरी टर्म्स में क्या इसमें अचीव किया है पिछले 1 साल में। अगर आपको ज़्यादा ही जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी अदर वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई क्या हमने अचीव किया है पिछले 1 साल में फाइनेंशियली। क्योंकि यार फाइनेंशियली क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में क्या है कि अगर मैं कहीं जॉब भी करता या फिर खुद का कोई काम करता या दुकान ही होती, कुछ भी होता यार, पैसे तो वहां से भी कमाई जा सकते, क्योंकि कोई भी पर्सन कहीं पे भी काम करे भाई पैसे तो कमाई देगा। लेकिन यहां पे काम करके जो मैंने पैसों के साथ साथ खुद को बनाया है, खुद के अंदर जो वैल्यूज मैंने क्रिएट किए हैं वो सच में नेक्स्ट लेवल है, वो अनमैचेबल है। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा कि भाई कोई पर्सन इस बिजनेस को करके, इस काम को करके कहां से कहां पहुंच सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को कहाँ से कहाँ तक वो लेके जा सकता है। तो अगर मैं यार अपनी बात करूँ बिजनेस से पहले, मतलब मैं कैसा था, मेरे को याद है यार, मैं इतना ऐसी मेरी पर्सनैलिटी थी कि इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा हेजिटेट में होता था, बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम मेरा बहुत वीक था, मैं बहुत जल्दी से नर्वस हो जाता था। ऐसा था कि मतलब अगर मुझे कि अननोन लोगों के सामने, स्ट्रेंजर्स के सामने रैंडमली कुछ बोलना पड़ जाए, तो स्टेज पर कुछ बोलना पड़ जाए तो मेरी दिल की धड़कन सीधा डबल, 75 से सीधा 150, पैर कांपने, कान गर्म हो जाने, ऐसा हाल था। इसके अलावा मेरे को यार ऐसे ऐसे दिन याद है कि मतलब जब मैं कभी स्कूल टाइम में था, 6th या 8th क्लास की बात है ये, तो जैसे रीडिंग होती थी एक्चुअली, है ना, तो टीचर ने बोल दिया कि भाई रीडिंग करनी है आपको, एक एक स्टूडेंट से बोल दिया कि पैराग्राफ वाइज रीडिंग करते चलना आप, जिस जिसका नंबर आए वो पढ़ते चलना। तो वहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन लगाते थे कि भाई मेरे ऊपर कौन सा पैराग्राफ आने वाला है। तो वहाँ पे अगर मेरे पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ आता था तो वहाँ पे मैं अपने बैचमेट से, क्लासमेट से रिक्वेस्ट करता था भाई प्लीज़ यार सीट चेंज कर लो यार, मेरे पास ये आ रहा है भाई, बोला नहीं जाएगा भाई, ये दिक्कत हो जाएगी वो हो जाएगी, तो वहाँ से रिक्वेस्ट करते थे। इस तरह से ऐसी सीट पर जाकर बैठते थे कि भैया बैल ही बच जाए और पीरियड ही खत्म हो जाए और कलेश ही कट जाए, तो इस तरह का था मेरा। लेकिन कभी कभी फंस ही जाते हैं भाई, तो वो कभी फंस गए और वहाँ पर कुछ बोलना पड़ गया, रीडिंग करनी पड़ेगी, तो ऐसा ऐसा टाइम यार देखा है मैंने कि मतलब आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि डर तो बहुत था यार, हेजिटेशन होती थी, नर्वस सिस्टम बहुत वीक था, तो वहाँ से ऐसी ऐसी आवाज़ निकल दी, रोनी रोनी आवाज़ निकल दी। आप खुद सोचो कि अगर कोई बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, हेजिटेट हो रहा है, तो कैसी आवाज़ निकलती है, तो ऐसा था। इसके अलावा बात ऐसी यार, पढ़ने लिखने में मैं मतलब अच्छा रहा हूँ शुरू से ही, तो मेरी ग्रेजुएशन भी एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामानुजन कॉलेज से हुई है। तो उसमें क्या है कि उस टाइम पर ना मैं ग्रेजुएशन जब मेरी चल रही थी, तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कभी क्लास के सामने जाके बोलने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, प्रेजेंटेशन तो हमने कभी दी नहीं कॉलेज वगैरह में भी, डर लगता था यार कॉलेज टाइम पे भी, मतलब क्लास के सामने जाके बोलना कुछ, उस टाइप की पर्सनैलिटी मेरी एक्चुअली डेवलप हो ही नहीं पाई थी। तो उस टाइम पर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, तो ऐसा होता था कि जैसे कोई भी वैकेंसी आई, कोई भी जॉब आई, तो उसमें मैं सबसे पहले ये देखता था कि भाई एग्जाम रिटर्न कोई सा भी हो अपने ऊपर, मतलब मुझे था कि हाँ मैं कर लूँगा, विश्वास था मुझे, बट उसमें मैं ये देखता था कि कहीं भाई इंटरव्यू तो नहीं है, कहीं ग्रुप डिस्कशन तो नहीं है, और अगर किसी में होता था ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू तो मैं ही उसको रिजेक्ट कर देता था, मतलब वो तो बाद में मुझे रिजेक्ट करते, मैंने ही उस जॉब को रिजेक्ट करके कि मुझे करनी नहीं है ये, तो इसमें अप्लाई नहीं करना है। तो इस तरह से था कि मतलब कि जहाँ पे भी कुछ बोलना पड़े, एक्सप्रेस करना पड़े, स्टेज पे कुछ बोलना पड़े, ग्रुप डिस्कशन हो या इंटरव्यू हो, तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा बचते थे, इस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी थी। अब आप में से कुछ कहेंगे कि भाई जब जॉब की प्रिपरेशन चल रही थी गवर्नमेंट जॉब की, तो फिर मतलब इस बिज़नेस में कैसे आई है, तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो इसमें क्या है कि यार मैंने ना मतलब एक बार मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ था, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, मैंने खुद से भी सोचा बहुत अच्छे से बैठ के कि यार जॉब तो जॉब ही रहेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, और मुझे क्या है कि मेरी ड्रीम्स कुछ इस टाइप के हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, टाइम फ्रीडम हो, ट्रैवल फ्रीडम हो। ट्रैवल फ्रीडम मतलब कि यार मैं घूमने फिरने का बहुत फैसिनेट हूँ, मतलब लेह लद्दाख और ये मनाली और ये जम्मू में अभी पिछले 4-5 महीनों में घूम घाम के हम आए भी हैं लॉकडाउन को हटा के। तो इसमें क्या है कि मतलब जब जॉब की बात आती है तो भाई फ्रीडम का एफ भी नहीं आता,
ठीक है, वहाँ पे क्या है कि ना आप कहीं टाइम पे जा सकते हैं, ना छुट्टी होती है, बहुत कुछ आपको सैक्रिफाइस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे माइंड में आई तो मैंने ये सोचा यार ये आइडिया ड्रॉप करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं करनी। उससे फिर हुआ क्या कि इस ऑनलाइन बिजनेस में मेरे इंट्रोडक्शन हुआ, वहाँ से मैं एसोसिएट हुआ, और जब यार इस बिजनेस में आया मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि अपने सीनियर्स को देख देख के मुझे बहुत कुछ पता चला, लोगों को मैं देखता था यार बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा। इस जब प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली, क्योंकि कॉलेज में क्या है, स्कूल में क्या है, सारा थ्योरेटिकल होता है, उससे प्रैक्टिकल वर्ल्ड की नॉलेज यार रियली नहीं मिल पाती। इन शॉर्ट बोलूँ तो यार एकदम प्रैक्टिकल MBA मैंने यहाँ पे करी है इस ऑनलाइन वर्क को करते करते सीखते सीखते। इसके अलावा यार मेरे को एक चीज़ याद है, जब मैं इस बिजनेस में आया था, नया नया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी शुरुआत में, 1 मिनट 18 सेकंड की वीडियो थी, एंड उसको मेरे को अभी भी याद है, उसको बनाने में मुझे 1.5 घंटा लग गया था। एंड आज की बात करूँ तो यार ऐसे वीडियोस मैं बना लेता हूँ, अभी भी देख रहे हैं, तो मेरे को कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। मैं ये नहीं बोलता कि आज यार मैं एकदम स्पीकिंग में बहुत तगड़ा हो गया हूँ, विवेक बिंद्रा या संदीप महेश्वरी सर की तरह हो गया हूँ मैं, बट मुझे अपने बारे में पता यार जैसा मैं था और आज मैं जैसा हूँ मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार विवेक तूने इतनी ग्रोथ ली है कि तू पहले कैसा था एंड आज कैसा है, मुझे खुशी होती है। एंड अगर मैं आज की बात करूं तो यार इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां पे अपने साथ लोग इन्वॉल्व ना हो, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया इंटरनेशनली भी लोग अपने साथ इन्वॉल्व हैं, तो इसी के लिए यार मुझे बहुत खुशी होती है कि एक टाइम ऐसा था कि यार लोगों से बात करने में इतना डर लगता था, बहुत हेजिटेशन होती थी, नर्वस बहुत ज़्यादा हो जाता था, लेकिन आज की बात करूं तो मतलब पूरे इंडिया में इंटरनेशनली भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि भाई क्यों आखिर ये मैंने वीडियो बनाई है, क्यों मैं इतना खुश हूं। बात ऐसी है कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका पिछले 6 महीने की बात करूं करीब 2 करोड़ का टर्नओवर रहा है, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक कोर्स आ रहा है जिसका नाम है 0 to 0, जिसके अंदर मैं लोगों को यह सिखा रहा हूं कि भाई लोगों से बात किस तरह से करनी है, ऑनलाइन बिजनेस में पैसे कैसे कमाने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ किस तरह से लोगों से बात करनी है। तो भाई जो पर्सन खुद एकदम 0 लेवल पे था, जिसको खुद जिसके अंदर खुद एकदम कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई मतलब इतना ज़्यादा नर्वस होता था, डरता था, और आज वो पर्सन 1 साल के बाद लोगों को ये सिखा रहा है कि भाई किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है एंड ऑनलाइन वर्क करके डिजिटल बिजनेसेस में पैसे कैसे कमाने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान के चलो आप आज नई स्टार्टिंग करते हो, बिल्कुल 0 पे हो आप, कोई भी वर्क आपने किया, मान लो आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया आज एंड आप बिल्कुल 0 पे हो आज, 1 साल के बाद आप लोगों को ये सिखाओ कि हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर इन डिजिटल बिजनेस। तो आप मुझे बताना अगर आपके साथ ऐसा हो कि आज आप बिल्कुल 0 से हैं एंड 1 साल के बाद आप लोगों को ये सिखाएं कि हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, कितनी खुशी आपको होगी। जितनी खुशी आपको उस टाइम पर होगी ना उतनी खुशी मेरे को होगी, क्योंकि यार एक टाइम पे मैं बिल्कुल पर्सनैलिटी भाई 0, कुछ नहीं आता था। आज लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि भाई किस तरह से पैसे कमाने हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। तो आप मुझे खुद बताना कि आपके लिए कितने खुशी का टाइम होगा वो जब आपके साथ ऐसा कुछ होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करके अपनी रियल फीलिंग शेयर करोगे कमेंट के अंदर। तो अगर कोई यहाँ पे न्यू पर्सन है जो हमारे वर्क में नहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगा अगर किसी पर्सन के थ्रू आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे पूछना, क्योंकि यार ऑनलाइन वर्क में डिजिटल बिजनेस में आप सिर्फ पैसे नहीं कमाओगे, यार यहाँ पे जो आपको स्किल्स मिलेंगे ना, रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड की जो नॉलेज मिलेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको जो मिलेगी, आप जो पर्सन बन जाओगे ना यहाँ पे, आप यहाँ पे जितने पैसे कमाओगे यार वो तो बाई प्रोडक्ट है, आप मेहनत करोगे, सीख के काम करोगे, अकॉर्डिंगली काम करोगे तो बहुत पैसे कमा लोगे, लेकिन इस प्रोसेस में जो आप पर्सन बन जाओगे ना वो उस पैसे से यार 100 गुना ज़्यादा होगी पर्सनैलिटी आपकी, वो वैल्यू बहुत होगी। क्योंकि अगर यार मैं अपनी ही बात करूँ, आज मेरे को चलो मैं एकदम 0 पर पहुँच जाता हूँ दोबारा से, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाए मेरा आज, तो यार मुझे अब पता है कि मैं 0 से ऊपर कैसे जाना है, 0 से ऊपर कैसे उठना है, क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज है यार, अब मुझे पता है कि मैं किस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से करना है। जितना टाइम मेरे को पहले लगा था उतना अब नहीं लगेगा, इसके अलावा अगर मुझे कुछ अलग काम करना पड़ जाए तो मैं यार अपने इस एक्सपीरियंस से, अपनी इस नॉलेज को लगा के उस काम में भी बहुत आगे तक जा सकता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब आप यहाँ पे काम करोगे, इतनी सारी चीज़ आप सीखोगे, अपने आप को जब पीछे आप मुड़ के देखोगे ना कुछ महीनों के बाद, तो हो सकता है आप खुद को पहचान ना पाए कि यार मैंने मतलब यहाँ इस लेवल से स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे सीख के मैंने खुद को इतना डेवलप कर दिया, इतना एक नेक्स्ट लेवल का वर्जन मैंने यहाँ पे खुद को क्रिएट कर लिया है खुद का यहाँ पे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ सेम हुआ है। एंड अगर आप यंग एज में हैं
यार एंगेज में क्या है कि ना आपको नई नई स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, नई नई स्किल्स को आपको सीखना चाहिए। एंड मैं अगर ऑनलाइन वर्क की बात करूँ, ऑनलाइन बिजनेस की बात करूँ, तो यार यहाँ पे ना आपकी स्किल्स बहुत इंप्रूव होती हैं, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, लीडरशिप स्किल्स हो, ये जितनी भी स्किल्स हैं यार बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं। इवन कोई भी स्किल है, आप उस स्किल के दम पे यार बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप यंग एज में हैं तो भाई अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें एंड उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ काम करें। यार मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर आप जरूरी नहीं है कि आप भाई ऑनलाइन वर्क ही करें, कुछ भी कर सकते हो, मैं ये कहता हूँ जॉब भी कर लो या खुद का कोई काम कर लो, बट उसमें कुछ ऐसा करो यार जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ फायदा भी हो एंड उसमें आप अपना नाम कमाएं, अपना बेस्ट दें। और यार ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है, मैंने बस जीरो से स्टार्टिंग करके थोड़ा सा मैं ऊपर गया हूँ, बट मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं जीरो से ऊपर रुक चुका हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग तो यार स्टार्ट ही नहीं करते, जीरो पे ही सोच सोच कर रुक जाते हैं। मुझे खुशी है कि भाई मैंने स्टार्टिंग करी एंड मैं जीरो से ऊपर बढ़ चुका हूँ एंड अभी यार रास्ता बहुत लंबा है, बहुत आगे तक हमें जाना है। सो दिस वॉज ऑल माई शॉर्ट जर्नी ऑफ माई ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन बिजनेस। सो आपको अगर यार सच में अच्छा लगा हो तो आपको जो भी जेन्युइन रिव्यू दिल से आपको जो भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करके बताओगे। एंड कुछ उसका आंसर जरूर देना कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आज आप स्टार्टिंग करते हो, आने वाले एक साल में आप लोगों को वो सिखाएं कि भाई किस तरह से एकदम जीरो से बहुत आगे तक जाना है, जीरो से मिलियनर कैसे बनना, कुछ भी हो सकता है वो, आपको कैसा लगेगा अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जरूर बताना, मैं आपसे जरूर रिलेट कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, आपने यार इस वीडियो को एंड तक देखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत कुछ सोचा, बस ऐसे ही मैं आया, मन किया, मैं लाइव आया, बोला मैंने। तो थैंक यू सो मच यार आपने एंड तक वीडियो को देखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत खुशी होती थी इसलिए मैंने वीडियो बनाई, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, लास्ट में मिलते हैं ऐसी ही एक और किसी अमेजिंग वीडियो में।